तो बोलिए गौ माता की जय। मैं आप लोगों को ले चलती हूँ सुबह सुबह अपने गाय की डेयरी में। तो इन लोगों ने खाना खा लिया है, दूध दे दिया है, अभी ये पानी का वेट कर रहे हैं, तो हम इनको पानी देंगे। और मैंने आज आप लोगों को सुबह सुबह गाय के दर्शन इसलिए कराए क्योंकि गाय के दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है, अच्छा होता है, और गाय की सेवा जरूर करें। कैसे भी किसी भी रूप में, एक रोटी दे करके, एक हरा चारा दे करके, कैसे भी आप गाय की सेवा जरूर किया करें। और यह है मेरी धौली यानी कि हमारी और सुबह सुबह मुझे बिल्ली, मिल गया और है मेरे को ये मिल एक गया है चीकू। चीकू। सुबह सुबह एक पका चीकू मिल गया है। और ये हमारे हैंगिंग्स हैं, हरा भरा देख करके तो बस मन प्रसन्न हो ही जाता है, मन बिल्कुल गार्डन गार्डन बाग बाग हो जाता है। और मुझे लगता है आप लोगों को भी अच्छा ही लगता होगा अपने अरे गार्डन में काम करना। ये मुझसे आगे आगे दौड़। राम पहला राम राम जोहार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया से होंगे और अपने घर में एकदम फिट एंड फाइन होंगे। सुबह हो चुकी है, अभी बज रहा है कुछ 6:15 और मैं बांट रही हूँ यहाँ पर दूध। सिर्फ अभी पानी पिया है, अभी चाय पीते हैं। रानी चाय लेके आई है, फिर चाय पीते हैं। और माता जी उठ चुकी हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। माता जी अपने हुक्के की तैयारी कर रही हैं, उनको सुबह 1:00 चाय दे दी थी, अब दूसरी पियेंगे। और यहाँ पे दूध लेने वाले लोग आ रहे हैं और मैं दे रही हूँ दूध। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहे मेरे ब्लॉग के साथ। दोबारा बाहर हो रहा है बहुत ठंडा, मतलब ठंडा ही हो रहा है, और मैंने स्वेटर नहीं पहना तो इसलिए मैं अंदर बैठ गई हूँ क्योंकि बाहर ठंडा हो रहा है। अप्रैल है फिर भी ठंडा हो ही रहा है क्योंकि बार बार ये वेदर चेंज हो जा रहा है, तो उसकी वजह से ठंडा गर्म हो जा रहा है। और गले का भी हालात तो कुछ ऐसे ही है, गला बैठा बैठा हो रहा है। बस चाय का वेट कर रही हूँ, दानी लेके आएंगे चाय। उसके बाद आज थोड़ा लहसुन की खुदाई करनी है, मतलब लहसुन खोदना है, वो करते थोड़ा सा कुछ हरी सब्जी लगानी है। मेरे लिए चाय, और दाने ने चाय पी ली। जा रहे आपने चाय पी ली? क्या क्या कर रहे हो तुम? ना बोल रहे हो और चाय पी रहे हो, देखो तो। कैमरा सामान वो खुलन नहीं पिया। तो ये दानी ने सब्जी बना दी है और मैं बनाती हूँ अब रोटी, है ना जाना? लेकिन आपने किचन काउंटर का बुरा हाल कर देते हो। अभी मैं रात साफ किया था, सुबह साफ किया था, फिर से ये 3-5 कर दिया। तो मैं अब जा रही हूँ बॉटल्स में दूध भरने, जो बाहर जाता है फटाफट। देर हो रही है। देखिए आपने Thank you.
क्या है? लंच टाइम हो चुका है, 2:15 हो गए हैं। सोच रही हूँ क्या बनाऊँ अकेले के लिए। माता जी अभी खाएंगे नहीं कुछ, उन्होंने फ्रूट खा लिए हैं, काले वाले अंगूर और चीकू। मैं क्या बनाऊँ सोच रही हूँ, क्योंकि दानी और कुनार गए हुए हैं। बनेगी तो ये तो कुछ ऐसा है नहीं, आज है हनुमान जयंती तो आज कुछ मीठा बना लूंगी शाम को ना। तो फिर मिलती हूँ जल्दी। तो मैंने अपने लिए पोहा बना लिया है और हरा नमक जो पिछली लून होता है वो खत्म हो गया था तो मैंने वो भी पीसा। देखिए कैसे पीसा है वो दिखा। तो ये है मेरा लंच, पोहा, एक खीरा है, हरा नमक, पिसी लून और ये पानी बॉटल और ये एक ग्लास मट्ठा विथ पिसी लून। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आया, ग्रीन ग्रीन। तो अब मैं खाती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी से। अभी तो कुछ 3 बज गया, मेरा लंच टाइम 3:30 पे हो रहा है, आज टाइम नहीं मिला तो 3:30 बजे हो रहा है। तो मैं खाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। दृश्य ऐसा है कुछ हमारे घर का, ये है मेरा फ्लावर ड्रावर और ये फूल, सुंदर से पिटोनिया, ये हमारे अद्भुत गुलाब देख रहे हैं कितने सुंदर है, सुंदर गुलाब। एक ये देखिए येलो, ये थोड़ा सा गाजरी एंड येलो मिक्स और ये पिटोनिया। तो यहाँ पे शाम का वक्त है, दूध वाले आ रहे हैं जा रहे हैं, कार्रवाई चालू। चलती हूँ ऊपर, खाना वाना बनाती हूँ, फिर हम मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले व्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच आपने मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए। आप लोगों का सहयोग के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। Thank you so much.